1979 या 1980 के बारे में बात कर रहा हूं। हमारे टाइम पर एक बहुत बड़े हास्य कवि होते थे मुल्ला मुरादाबाद, कृष्णा कंठ के बारे में उनकी कविता मैंने याद कर ली थी, रट्टा लगा ली थी और स्टेज पर जाकर एज इट इज बोल दी। उसके बाद से क्या हुआ कि स्टेज पर मैंने हमेशा कोई भी प्रोग्राम स्कूल में क्यों ना हो, मैंने कोई ना कोई कविता या ना कोई भाषण चुटकुला कुछ ना कुछ सुनाया जरूर। तो आज वो सबसे पहली वाली कविता मुझे आज भी याद, सोचिए कितने साल भी गए। वो क्या था ना, पहली पहली एक्टिविटी होती है ना, वो कई बार आदमी भूलता नहीं। जैसे कहा था ना, पहला प्यार आदमी को पहली वाली कविता भी कविता कविता का मतलब पोएम है और कुछ नाम है बनवारी। 45 साल के हो गए, अब तक है अटल बाल ब्रह्मचारी। एक दिन हमने उनसे कहा कि गुरु सिंगल से डबल हो जाओ, इधर उधर घास चलते फिरते हो, एक खूंटी से टंग जाओ, गुरु सिंगल से डबल हो जाओ, इधर उधर घास चलते फिरते हो, एक खूंटी से टंग जाओ। इस पर बनवारी उदास हो बोला, शादी की बात मत कर, शादी से मुझे सख्त नफरत है। हमने कहा क्या हुआ, कहता है आज से 20 साल पहले मैं एक लड़की देखने गया, उसने मुझे देखते ही यार किसी ऐसे तो कोई जाएगा ही नहीं, मजाक उड़ा रहे। उसने मुझे देखते ही ना पसंद कर दी। उस दिन से ऐसा सदमा पहुंचा कि शादी के बारे में सोचना ही बंद कर। हमने कहा बनवारी नाम छक्की, इस बार तुम्हारी शादी हमने कर दी है पक्की। ये काफी ऐसे मिलाया जाता ना, हमारी लाल छक्की इस बार तुम्हारी शादी हमने कर दी है पक्की। लड़की वालों ने हाँ कर दी है किसी मजबूरी की वजह से, लड़की वालों ने हाँ कर दी है। अगले दिन हम बनवारी को लेके लड़की वालों के घर जा पहुंचे, सोफे पर बैठ गए बनवारी जैसे आप लोग बैठे। बनवारी की मां ट्रे में चाय ले आए और बनवारी को देखते उसके छक्के छोड़ गए, प्याले प्याले सब टूट गए, नीचे गिरकर बेहोश हो गए। इधर बनवारी के माथे में पसीना आया, बोला ये तू मुझे कहां ले आया। लड़की की मां की जब बेहोशी टूटी लड़की मां तो मुझे अगर ले जाकर बोली भाई साहब अब आपसे क्या छुपा। मेरा सर तो इसलिए चकराया था क्योंकि ये तो मुआ वही है जो 20 साल पहले मुझे देखा। मजा नहीं आया। मैंने सुनाई थी 1979 में, तो मैं फोर्थ क्लास में था, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने 1979 की। ऑब्जेक्टिव ये है ही नहीं कि आपको कहीं की बात समझ में आती है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इतने सारे लोगों की आंखों का सामना कर सकते हैं कि
बना सकते हैं। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो मैंने इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। अब आगे का प्रोग्राम कौन मैनेज करेंगे? यार अच्छा, ऐसे माहौल में कर रहा है, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा साला।